हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे कुछ अपने इंडोर प्लांट्स शेयर करूंगी और उनके नाम भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गार्डन को ब्यूटीफाई करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यानी खूबसूरत होते हैं प्लांट। तो आप अपने गार्डन में इनको ज़रूर ऐड करिए। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और यानी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी ऐड करते हैं गार्डन में। तो सबसे फर्स्ट मैं क्रोटन को रखूँगी। तो ये प्लांट मेरे देखिए गोल्डन डस्ट के नाम से जाने जाते हैं ये, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। क्रोटन की जितनी भी वैरायटी है मुझे सबसे ज़्यादा यही वाले पसंद है। और जितने भी प्लांट मैंने ग्रो किए हैं सारे कटिंग से ग्रो किए हैं, तो कटिंग से बहुत ही आसानी से चलने वाले प्लांट हैं, बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। तो आप अभी रेनी सीजन में इनकी कटिंग ज़रूर लगाइए, बहुत आसानी से लग जाएंगे प्लांट। और यहाँ पर मेरे पास देखिए 3 वेरायटी है क्रोटन की, जो कि मैंने सारे प्लांट अपने कटिंग से ग्रो किए हैं। बस छोटी छोटी सी, इतनी छोटी छोटी सी कटिंग मैं लेकर आई थी गार्डन से, हमारे यहाँ जो गार्डन है वहाँ पे इसके बड़े बड़े से प्लांट लगे हुए थे, तो मैंने बिल्कुल दो दो तीन तीन इंच की कटिंग लाकर इन प्लांट को ग्रो किया था। तो ये देखिए एक दूसरी वेरायटी ये है, ये भी गोल्डन डस्ट की तरह ही है लेकिन बड़े पत्तों वाली है ये, और देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है प्लांट ये। और जो तीसरी वेरायटी है ये है, तो इसके जितने भी प्लांट होते हैं सभी यानी काफ़ी अच्छे यानी ब्यूटीफुल से होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं इसके प्लांट। और बहुत सारी वेराइटीज़ आती है क्रोटन में, अभी तो और भी नई नई वेराइटीज़ आने लगी हैं जो कि ड्वार्फ वेराइटी के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो जो सेकंड नंबर पे है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, लगभग सभी घरों में पाए जाते हैं मनी प्लांट के प्लांट, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं इसके प्लांट। और बहुत सारी वेराइटीज़ आती है मनी प्लांट में भी। तो मेरे पास तो दो वेराइटीज़ हैं, एक तो इस तरह के पत्तों की है और एक थोड़ा वेरीगेटेड पत्ते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत से हैं। तो आप मनी प्लांट को भी अपने गार्डन में लगाइए, बहुत ज़्यादा यानी खूबसूरत लुक देते हैं गार्डन में। तीसरा प्लांट है जो हमारा डिफेनबेकिया, ये भी बहुत ज़्यादा यानी ग्रीनरी ऐड करता है गार्डन में। और बहुत सारी काफ़ी सारी वेराइटीज़ इसमें भी आने लगी हैं, पहले तो सिर्फ दो वेराइटीज़ ज़्यादा दिखती थी, एक तो मेरे पास नहीं है, लास्ट ईयर मेरे पास था लेकिन अभी उसका प्लांट मेरा ख़राब हो गया, फिर मैंने दोबारा उसको ग्रो भी नहीं किया। और इसके तो बहुत सारे प्लांट हैं मेरे इस वेराइटी के जो डिफेनबेकिया हैं, काफ़ी सारे। तो थर्ड नंबर पे ये है और इजली कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। छोटी से छोटी इसकी जो यहाँ से स्टेम होती है, स्टेम से यहाँ से कट करके छोटा से छोटा भी लगा देते हैं तो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। चौथे नंबर पे जो एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्लांट है, इंसुलिन का प्लांट है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इतना ज़्यादा यानी ग्रीनरी ऐड करता है गार्डन में, मुझे तो ये प्लांट बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कई सारे इसके प्लांट लगे हुए हैं, देखिए कितनी ज़्यादा इसकी लीफ बहुत सुंदर दिखती हैं। और जो फिफ्थ नंबर पे है ये अरेका पाम, जो कि बेस्ट एयर प्योरीफायरिंग प्लांट भी है और बहुत ज़्यादा गार्डन को ब्यूटीफुल बनाता है इसके प्लांट है। अगर आपके गार्डन में नहीं है तो आपका गार्डन यानी इसके बिना अधूरा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है यानी। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और कई सारी वेराइटीज़ भी आने लगी हैं मेरे पास। तो ये बड़ा प्लांट है जो काफ़ी सालों का हो गया, लगभग 6-7 साल पुराना प्लांट हो गया है ये, और बहुत ज़्यादा देखिए इसकी हाइट भी कितनी ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल ये लगभग 5 फीट, लगभग 4 से 5 फीट हाइट हो गई है इसकी यहाँ से नीचे से। एक बड़े से बकेट में मैंने इसको लगाया हुआ है। तो एक प्लांट ये है और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, आप इसको सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीजिए, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी ग्रीनरी ऐड करता है ये गार्डन में, बहुत ब्यूटीफुल सा लुक देता है। उसके बाद कुछ हमारे हैंगिंग प्लांट्स भी हैं जो कि हमारे गार्डन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, जैसे कि वाइंडिंग ज्यू है और इजली कटिंग से ये भी लग जाता है। उसके बाद ये ट्रायंगल हार्ट है, ये भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और देखिए कितनी सुंदर इसकी लीफ यहाँ तक लटक रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है देखिए। उसके बाद ये देखिए टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये एक बेबी टीयर्स है, ये भी बहुत प्यारा लगता है, इसके भी प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इनको भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और यहाँ पर भी देखिए टर्टल वाइन है। इसके बाद देखिए अरेलिया का प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, और इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको गार्डन यानी नर्सरी में मिल जाएंगी। और रेनी सीजन में इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसके प्लांट भी मैंने बहुत सारे कटिंग से ग्रो किए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है गार्डन को, ग्रीनरी ऐड करता है गार्डन में। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, एक तो वेरीगेटेड आती है और दूसरे छोटे छोटे लीफ वाले ड्वार्फ वेराइटी के भी आते हैं, बहुत सुंदर से लगते हैं प्लांट। यहाँ पे देखिए इंसुलिन के कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं मेरे। उसके बाद ये देखिए
थूजा मोरपंख का प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और शुभ भी माना जाता है इसका पौधा, तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करता है ये और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी में ज़मीन में लगा होता है तो ये बहुत ज़्यादा यानी अच्छे से सर्वाइव कर लेता है धूप में भी। अगर आपने इसको गमले में लगाया है तो आप इसको फिर थोड़ा सा ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह के एक आध घंटे की धूप लग जाए, बाकी टाइम इसको छाया मिलेगी तो ये अच्छा ग्रीन रहेगा। और उसके बाद देखिए ये प्लांट है मेरा ड्रेसिना का। ड्रेसिना में भी कई सारी वेराइटीज़ आती हैं जो कि बहुत सारी होती हैं। एक ये गुड लक प्लांट के नाम से जाना जाता है ये वाला प्लांट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत ही इसके जो कलर हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो गार्डन को बहुत अच्छा लुक देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं गार्डन को। तो इसको भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और गुड लक प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है, ड्रेसिना फैमिली का ही प्लांट है। उसके बाद ये देखिए एक लीफा का प्लांट, इसको आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं। इंडोर लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ पूरी ग्रीन ग्रीन रहेंगी और थोड़ा सा इसमें धूप पड़ेगी तो थोड़ी सी इसमें धूप पड़ेगी तो फिर इसकी पत्तियाँ इस तरह से कलरफुल हो जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं देखने में। तो यहाँ पर एक आध घंटे की धूप आती है जहाँ मैंने रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी हैज के ना हैज के लिए इसको यूज़ किया जाता है गार्डन वगैरह में, बहुत अच्छे से यानी ब्यूटीफुल होता है, बहुत ज़्यादा गार्डन को ब्यूटीफाई करता है ये भी। और जो यहाँ पर देखिए मेरे पास अरेलिया के बहुत सारे प्लांट लगे हैं, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और एक इसका बड़ा सा प्लांट भी है, ये देखिए बहुत बड़ा सा प्लांट है, इसी की कटिंग ले लेकर मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए थे। ये इसका मदर प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा सा प्लांट है, देखिए पूरा गोल गोल शेप सा शेप में बना हुआ है ये और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये। उसके बाद देखिए कुछ पेंडन इसके प्लांट हैं जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों जगह चल जाते हैं, सेमी साइड में बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं गार्डन को। आप अपने गार्डन में इनको ज़रूर लगाइए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इधर देखिए रिबन ग्रास है, ये भी इसी तरह का है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, इंडोर प्लांट ही है। इसमें बिल्कुल भी धूप अगर लग जाती है तो इसकी पत्तियाँ बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं, इनकी टिप्स यहाँ से। तो ये कुछ प्लांट्स हुए। और यहाँ पर देखिए सेंसवेरिया, सेंसवेरिया भी बहुत सुंदर यानी लुक देता है, स्नेक प्लांट बहुत सुंदर लुक देता है गार्डन में, बहुत ज़्यादा यानी खूबसूरती बढ़ाता है। और एक प्लांट है कलंचो का, तो आप कलंचो को भी लगा सकते हैं, ये तो फ्लावरिंग प्लांट भी है और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी ऐड करता है। उसके बाद देखिए एग्लोनीमा, एग्लोनीमा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है गार्डन को, बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इसमें कई सारी वेराइटीज़ आती हैं। जो मेरे पास प्लांट है ये लिपस्टिक एग्लोनीमा है और ये देखिए ये थोड़ा इधर झुक रहा था तो मैंने एक स्टिक के हेल्प से इसको थोड़ा सा खड़ा किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे चार ब्रांच अलग से निकल गई हैं बेबी प्लांट्स। ये देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद देखिए ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी गार्डन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती ऐड करता है गार्डन में, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। आप इसको अभी कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। और एक प्लांट है सिंगोनियम का जो कि ये भी इंडोर है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत खूबसूरत सा सीड्स की पत्तियाँ होती हैं, ये देखिए ये भी गार्डन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं। उसके बाद एक हमारा प्लांट है, ये इंडोर प्लांट ही है पेप्रोमिया, बहुत ज़्यादा यानी इसकी पत्तियाँ सुंदर होती हैं, इसमें भी कई वेराइटीज आती हैं, एक वेरीगेटेड भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और ये एक प्लांट है सफलेरा का, तो ये भी इंडोर प्लांट्स ही है। और कुछ प्लांट्स हैं मेरे कोलियस के, ये देखिए गार्डन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं और कई सारी वेराइटीज़, इतने सारे इनमें कलर मिल जाते हैं कि आपको यानी अगर आप इनको लगा लेते हैं तो फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने सारे इनमें कलर मिल जाएंगे। तो ये तो मेरे कुछ गार्डन के इंडोर प्लांट्स जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।